गाइस इस समय हम मथुरा आ चुके हैं और 1.5 घंटे की जर्नी थी अप्रॉक्स। गाइस टिप ले लो, अगर आप ऑफ सीजन आ रहे हो ना तो यहाँ के सारे होटल्स के रेट अब आसमान छू रहे हैं। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं गोकुल में और यहाँ पे हम आपको अब एक्सप्लोर कराने वाले हैं। इनका कोई नहीं होता है तो यहाँ 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम को भजन करती है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सभी लोग? आए हो बहुत बढ़िया होंगे। इस समय बज रहे 5:30 और मैं उठ के नहा धो के रेडी हो चुका हूँ क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ वृंदावन मथुरा और भाई के साथ ट्रिप पे पहली बार। तो अमित भैया स्टेशन पे वेट कर रहे हैं, तो मेरी कैब आ चुकी है और अब मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। अगर आपको नहीं पता, मैं डेली वीडियोस बनाता हूँ, डेली व्लॉग्स लेके आता हूँ, खाना पीना घूमना फिरना सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें। तो आप भी नए हैं तो सब्सक्राइब करिए चैनल को ताकि डेली ऐसे व्लॉग्स देखने को मिले। तो आई एम वेरी एक्साइटेड, चलते हैं राधे राधे। तो मिलते हैं 2 दिन बाद, ठीक है? ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, बाय। ओके बाय, चलो बाय मम्मी, सी यू। एक और ट्रिप वृंदावन और मथुरा की, तो आते हैं 2 दिन में फिर गुरुजी वर्ल्ड टूर भी करवाएं जल्दी। चलो ठीक है, बाय बाय। गाड़ी आ चुकी है तो अभी बस गाड़ी में नीचे बैठते हैं और चलते हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, वहाँ से ट्रेन है 7 बजे की। तो डैडी अभी नीचे सामान छोड़ रहे, चलिए बाय, सी यू। सो गाइस हम स्टेशन आ चुके हैं इस समय और बाहर अमित भैया से भी मिलना है फिलहाल। सो गाइस अमित भैया पहुंच चुके हैं, क्या हाल है? बढ़िया भाई, बढ़िया। सो ऑल सेट? ऑल सेट, वीडियो रखी है बहुत बहुत ज्यादा भाई, और मतलब कोल्ड वेव का पता चल रहा है कि दिल्ली मतलब कोल्ड वेव आ रही है यहां पे कि अपना बैग संभाल के बैग भुलाया तू देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे धर्मशाला का लिए हमने ये पोस्ट पढ़ा ना कि ये सब जगहों से हमारे जगह ज्यादा ठंडी हो रही है, धर्मशाला से ज्यादा ठंडा दिल्ली हो रखा है बहुत ठंड हो रही है। और हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारी पहली डुओ ट्रिप है। हम वैसे जनरली बहुत घूमे, फैमिली ट्रिप्स बहुत की, बट आपस में भी दिल्ली में घूमे, बट ये बाहर जाने वाली हमारी पहली ट्रिप है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट, क्योंकि वो ट्रिप है जो बहुत ही कम समय में बनी, मतलब ऐसे कुछ घंटे पहले, घंटे में बनाई है, घंटे में बनी है। और ऐसी ट्रिप हमेशा बेस्ट रहती है, मतलब कितनी बार होते कलम कागज लेके बैग। चलो वो रही हमारी ट्रेन, तो हमारी ट्रेन स्टेशन पे लग चुकी है, अब चलते हैं। ये है अपना कोच। So guys, इस समय हम मथुरा आ चुके हैं और 1.5 घंटे की जर्नी थी अप्रॉक्स। सो अब ठंडी हो रही है, बहुत ठंड हो रही है यहाँ पे भी गाइस, तो यहाँ पे भी बहुत ठंड है। अब फिलहाल यहाँ से चलते हैं बाहर और ऑटो ऑटो लेते हैं। सो गाइस यहाँ से 10 रुपये में रिक्शा है, मतलब अगर आपको जन्मभूमि जाना है कोई सी भी जगह तो 10-20 रुपये में आपको पहुँचा देंगे यहाँ के रिक्शे वाले। और आई थिंक सब नियर बाय है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, आप लोग आराम से घूम सकते हो। तो हमने करा है यहाँ पे अपना ऑटो ये वाला और ये हमें पहुँचा देंगे भैया अभी। गाइस टिप ले लो, अगर आप ऑफ सीज़न आ रहे हो ना तो यहाँ के सारे होटल्स के रेट आसमान छू रहे हैं। हमें 10 होटल हो गए देखते हुए, सारे 3200-3500 डबल बेड वाले, जिनका हार्डली कॉस्ट 1000 रुपये होगा, अभी इनके कॉस्ट इतनी ज़्यादा हुई है। बट अभी हम यहाँ पे एक हमें कोई दिखा है होटल, वृंदा होटल, और वहाँ पे हम देख रहे हैं क्योंकि वहाँ रेट थोड़ा ठीक है, वो पसंद आता तो फिर रहेंगे और फ्रेशन अप होके फिर चेकआउट करेंगे। मार्केट सेंट्रलाइज्ड ही है तो। और ये देखो गाइस, ये है हमारा रूम आज का, एंड फाइनली हमारा आप रूम देख सकते हो। ये आगे हमारा लगेज।
hours later. So guys, हम नहा धो के रेडी हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं नीचे वृंदावन, गोकुल और मथुरा के दर्शन के लिए, और आप लोग को साथ लेके चलने वाले हैं। जो जो हम देखेंगे, अगर दर्शन अंदर करा पाए तो वो भी कराएंगे, और लोकल चीजें हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। कुछ ऐसी चीजें दिखाएंगे जो आई थिंक नॉर्मल लोगों को नहीं पता, जो लोग देखने के लिए मतलब क्यूरियस होंगे, तो आज हम वो साइड एक्सप्लोर करने वाले हैं। और अभी नीचे जाके हम कुछ ऐसा खाने वाले हैं जो यहाँ की स्पेशलिटी है, वो है बेडमी कचौड़ी, और आई एम एक्साइटेड टू ईट इट। चले अमित भाई, चलो पहले पेट पूजा, फिर उसके बाद फिर घूमना फिरना, चलिए चलते हैं। सो हम नीचे आ चुके हैं और यहाँ पे हम खाने वाले हैं अपना ब्रेकफास्ट। मैं आपको दिखाता हूँ तो बेडमी पूड़ी है वो कैसे दिखती है और कचौड़ी। ये है कचौड़ी अपनी, और ये है अपनी पूड़ी। भैया किसकी बनती है भाई साहब? बहुत क्वालिटी से बनता है, आविष्ठा बनता है, मसालों से बनता है, आटा मैदा सूजी बेसन चना मसाला दाल मसाला सौ मसाला। अच्छा, और ये किसके साथ देते हो आप? आलू के साथ। हमारे यहाँ का मथुरा का प्रसिद्ध आलू का झोल एंड खस्ता कचौरी मथुरा का प्रसिद्ध आइटम है। मथुरा का पेड़ा और खस्ता कचौरी फेमस आइटम है। चलिए ठीक है, मथुरा आए, कचौरी नहीं खाया, पेड़ा नहीं खाया, कुछ नहीं हुआ। सवेरा हमारा बिल, हमने ऑर्डर करा समोसा, बेड़ई और कचौड़ी, और सिर्फ टोटल अमाउंट 41 रुपीज़। इतना सस्ता आपने आई थिंक कहीं देखा नहीं होगा, तो 41 रुपीज़ में हम अपना नाश्ता करने वाले हैं। इतनी खुशी मुझे आज तक। तो ये आ गई हमारी कचौड़ी, ये रही बेड़ई, और ये रहा हमारा समोसा, तीनों सब्जी के साथ सर्व की, तीनों सब्जी के साथ अच्छी चटनी के साथ। तो अब हम ये टेस्ट करने वाले और आपको रिव्यू बताएंगे कि इसका टेस्ट कैसा एग्जैक्टली। है तो बढ़िया, समोसा भी फ्रेश है, कचौड़ी का स्वाद भी बढ़िया है, अलग है। नॉर्मल समोसे हमारे वहाँ के अलग होते हैं, बट इसकी फीलिंग अलग है और बहुत ही टेस्टी है यार। मतलब 41 रुपये में ये तीन चीज़ें वर्थ इट। सो गाइस, अपनी गाड़ी आ चुकी है और अब हम जा रहे हैं दर्शन के लिए, तो चलिए चलते हैं साथ में। ये है गोकुल डैम और इस समय हम डैम के ऊपर से चल रहे हैं, तो ये है गोकुल डैम और अभी हम जा रहे हैं गोकुल। सो गाइस, अभी हम आ चुके हैं गोकुल में और यहाँ पे हम आपको अब एक्सप्लोर कराने वाले हैं। मतलब मैं भी पहली बार आ रहा हूँ आई थिंक, क्योंकि जब मैं 8th क्लास में आया था तब तक तो मुझे भी नहीं पता था। तो अभी हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कुछ ऐसी जगहें जो कृष्ण भगवान जी से रिलेट करती हैं, जहाँ वो कभी, जहाँ उन्होंने माखन खाया, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। हमने फूल ले लिए भगवान जी को चढ़ाने के लिए। यहाँ से मथुरा में भगवान का जन्म हुआ है ना, तो उनके पिता वसुदेव जी भगवान को सूप में धर के यमुना जी पार करने लगे, जिस पे ये डैम बना हुआ है। हाँ, तो कहते हैं भगवान का जो जन्म हुआ था ना, भादों के महीने बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र में अष्टमी तिथि के दिन हुआ है। अच्छा, तो कंस कार्यक्रम में, तो उनके पिता वसुदेव जी भगवान को सूप में धर के यमुना जी में प्रवेश जैसे ही किया, तो यमुना जी ऊपर बढ़ने लगी। हाँ। भगवान का चरण छूने के लिए। हाँ। तो वसुदेव जी डर गए, घबरा गए, कहते ठाड़ा वसुदेव करे पुकार, कैसे उतरू यमुना पार, हे ब्रजवासियों गोकुलवासियों, मैं डूबा तो डूबा, मेरे लाला को कोई लो, है ना, हाथ ऊपर खड़ा कर दिया, रात्रि के 12 बजे कौन सुनता है। तो भगवान जैसे यमुना जी के उस तरफ गांव का नाम पड़ गया कोयला, और इधर आए तो चोर रास्ता बसदेव रास्ता, चरण छू यमुना पटरानी, और घुटवन घुटवन हो गया पानी, चरण छूने के बाद पानी कम हो गया और रास्ता दे दिया, बोले यमुना मैया की बात पटरानी कहलाएंगे। अच्छा, और यहाँ भगवान को छुपा के गए हैं यशोदा जी के यहाँ। अच्छा, ये नंद महल बोलते हैं ना, ये नंद बाबा का घर, ये 2.5 कोस के अंदर में बसा हुआ, 7.5 किलोमीटर में। अच्छा, हाँ, तो यहाँ भगवान को छुपा के गए और यहाँ यशोदा जी की लड़की हुई। अच्छा, यशोदा मैया को ये नहीं मालूम था मेरे यहाँ लड़की एक लड़का हुआ है, भगवान को तो यहाँ छुपा करे गए और यहाँ से लड़की को लेकर के कंस के हाथ में दिए। जैसे ही मारने के लिए हाथ उठाया ना कंस ने, तो हाथ से छूट करके आकाशवाणी की और जवाब दिया, अरे पापी कंस तू हमको क्या मारता है, तुझे मारने के लिए तो भगवान झूला में झूलते,
यहाँ जो दर्शन है ना दो ही प्रकार का है, एक रात्रि के 12 बजे यमुना जी ने चरण छुआ है, अच्छा। और दूसरा यहाँ यशोदा मैया की जो आयु थी ना 60 वर्ष से ऊपर थी, जब भगवान का जन्म हुआ था ना तो उनकी आयु 60 वर्ष से ऊपर थी, अच्छा। हाँ, तो यहाँ झूले का दर्शन है। देखो ये भजनास्थल इनका कोई नहीं होता है, तो यहाँ 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम को भजन करती है, हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण। जो लोग धर्मादा दान करते हैं ना उसी से खाने पीने की मंदिर की सेवा चलती है। ये चौक है, देख रहे हैं, नंद चौक के नाम से जाना जाता है। यहाँ दही हांडी का प्रोग्राम होता है कृष्ण जन्माष्टमी के टाइम, जन्माष्टमी के हाँ आखन चुराते थे ना, तो यशोदा मैया छड़ी लेकर उनको पकड़ने के लिए मारने के लिए भगती थी, तो भगवान गलियों में इधर उधर छुप जाया करते थे, हाथ नहीं आते थे। तो ये माखन चोर गली है, पर यहाँ 9 चीज़ आपको नहीं मिलती है गंदा वस्तु। पहला लहसुन प्याज अंडा शराब है ना, मीट मछली है ना, ये दारू है, ये तुम्हारा ये नहीं मिलेगा। न तो मस्जिद है, न मुसलमान है, और न हाउसकीपिंग है, न मोची है, ये आपको 9 चीज़ आपको यहाँ नहीं मिलता है। ये दाऊ जी का चमत्कार है, जब औरंगजेब बादशाह आया था ना यहाँ मंदिर को गिराने के लिए, तो भगवान बलराम जी ने उसको अंधा कर दिया, हाँ, तो भगवान के सामने सम्मुख शीश झुका के गया है, तब से यहाँ 9 चीज़ नहीं मिलती है। यहाँ 11.5 वर्ष वालीला की है, इसके बाद 12 वर्ष की अवस्था में मामा कंस का वध किया, मथुरा में कंस था ना उसका वध किया, और अपने माता पिता की आज्ञा पा करके पहला धाम द्वारका बसाया भगवान ने, हाँ। रुक्मणी जी से लगन की तो उनका नाम द्वारकाधीश नाम पड़ गया, बोलो द्वारकाधीश महाराज की जय। ये क्या है? ये गोकुल चंद्रमा जी द्वार, अच्छा। वसुदेव जी इसी स्वरूप से भगवान को लेके आए, देखो ये पहले योग माया का जन्म हुआ, फिर बलराम जी आए हैं, इसके बाद भगवान स्वयं जन्म लेके आए हैं। यशोदा भवन यहाँ यशोदा जी की हुई, अच्छा। उसको बलदा करके वहाँ मथुरा ले गए और कंस के हाथ में दे दिए, ये उनका घर है रहने का। कुल करने वाली माता का दर्शन है, जैसे हमारे तुम्हारे यहाँ कुलदेवी कुलदेवता होते हैं ना, ऐसे ही ये नंद बाबा की कुलदेवी हैं। नंद बाबा यशोदा मैया ने अपनी कुलदेवी की तपस्या की, तो कुलदेवी ने वरदान दिया कि आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, तो यहाँ भगवान कृष्ण पुत्र रूप में आए, तो नंद बाबा की मनोकामना पूरी हुई। ये शीतला माता का दर्शन है, यहाँ वस्त्र सेवा होती है, ये वस्त्र बंधे हुए हैं ना, ये हजारों लाखों करोड़ों वस्त्र बंधे हुए हैं, ये वस्त्र यहीं से मिलता है और अंदर ही बांधना पड़ता है, जैसी भी मन की इच्छा होती है ना तो माता 11 महीने में पूर्ण करती है। बोलो शीतला माता की। क्या था, ये ब्राह्मणों के अंडर में मंदिर थे, जब से योगी मोदी आए हैं ना उन्होंने ट्रस्टी कर दिया, 6 गाँव का पंचायत कर दिया, मथुरा वृंदावन गोवर्धन नंदगांव बरसाना यही देख रेख करते हैं इसकी, वो नहीं है, एक जगह दान होता है, बाकी हजारों मंदिर दर्शन होते हैं। जैसे अपने घर गांव को छोड़ के यहाँ भगवान का दर्शन के लिए आए हो ना, उसी प्रकार से दर्शन के लिए 33 कोटि के देवता आए। यशोदा मैया ने सबको दर्शन कराया है मगर शंकर जी को दर्शन नहीं हुआ है। हमारी ब्रजभाषा में कहते हैं कि देखो रीख बाला जोगी द्वार हमारे आया है, अन्न भगूत बगल में छाला शेष नाग लिपटाया है। यशोदा मैया बोली देखो कैसा विचित्र साधु आया हुआ है, जिसके सर्प बिच्छू बागम और भगूती लगी हुई है, विकराल जटाएं। बोली मैं दर्शन नहीं कराऊंगी, मेरा लाला छोटा है डर जाएगा। तो यशोदा मैया भिक्षा लेके आई हैं, ले भिक्षा निकरी नदरानी मुतियम थाल भराया है, ले रे योगी भिक्षा ले तुम सोता गोपाल जगाया है। अरे बाबा मुँह मोती सोना चांदी ले जा, हम तुझे दर्शन नहीं कराएंगे। तो शंकर भगवान बोले कि ना चाहिए तेरे मुँह मोती ना चाहिए धन माया है, अपने गोपाल के दर्शन करा दे, इस कारण कैलाश से योगी आया है। भगवान शंकर बोले हम कैलाश पर्वत से आए हुए तुम्हारे लाला के दर्शन के लिए। तो यहाँ भगवान शंकर ने 3 दिन 3 रात्रि यहाँ तपस्या की है नंद के द्वार पर, उसके बाद यशोदा मैया ने दर्शन कराया है। जैसे घर पे बेटा होता है ना छठी पूजती है, तो यहाँ माता यशोदा के यहाँ भगवान कृष्ण की छठी पूजा हुई। जो माताएँ है ना हलवा पूरी का प्रसाद बांटती है ना, तो यहाँ भगवान के चरणों में एक फूल छोड़ना है और भगवान से कहना है कि हमारे घर में आनंद करना, चरणों की भक्ति देना, और कोई भी भूल से अपराध हुआ हो उसको क्षमा करना।
तो आप लोगों ने यहाँ तो दर्शन कर ही लिए, अभी यहाँ पे नंद बाबा और यशोदा माँ का घर था जहाँ कृष्ण भगवान 11 साल तक रहे। हम अंदर दर्शन कराए पर अंदर वीडियो अलाउड नहीं थी, तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत अच्छा रहा, बहुत ही पीसफुल। तो अभी चलते हैं आगे। सो गाइस, आप लोगों ने जो देखा ये है मनोकामना मंदिर और ये शीतला माता का है। यहाँ पे अब अपने मतलब श्रद्धा से तो जो भी चढ़ावा देते हो फिर आप यहाँ पे मनोकामना मांगते हो, जो भी आपके मन में विषय कहते हैं कि यहाँ पे पूरी होती है, यहाँ पे आप बांधते हो घर जाके वो पूरी हो जाती है। तो आप भी यहाँ जब दर्शन करने हैं तो अपने भक्तिभाव से कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। उखल है जो यशोदा जी ने भगवान को बांधा था ना, ये वो है। हाँ, ये उखल है, देख। अच्छा, ये उखल है जिससे बांधा। ये कुआं है जहाँ यशोदा मैया के जो कुएं में इसमें पानी है आज भी। ये यशोदा मैया का कुआं है। सो गाइस, यहाँ पे गौशाला है। ओहो, वाह। तो ये पुरानी, ये पुराने टाइम की है तो अभी बनी है। Thank you.